हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस सुस्त और दुरुस्त, फिर से टूटने लगे ताले, पुलिस की गश्त रही नाकाम। जिरावल कस्बे में दो दुकान, एक मकान और स्कूल में चोरी की वारदात घटी है। जिरावल गांव में एक बार फिर से चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक बार फिर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, साथ ही दुकान और ई मित्र सेंटर और एक घर को अपना निशाना बनाया है। गाँव के गोदर बाबा मंदिर के पास रमेश भाई प्रजापत की किराने की दुकान और नारायण लाल जोशी के मकान के खाली ताले तोड़ दिए गए। रमेश भाई प्रजापत ने बताया कि 1500 रुपए के आसपास और साथ ही चाय पत्ती, 2 किलो और 4 किलो घी और 1 किलो सरसों का तेल लेकर चोर फरार हो गए। वहीं ई मित्र सेंटर देवाराम मनसाराम तिगर निवासी वरमान ने बताया कि ई मित्र सेंटर से 3000 रुपए नगद, साथ ही 3200 रुपए का फिंगरप्रिंट चोरी किया गया है। वहीं नारायण जोशी के घर से इत्तला मिली है कि रात्रि को केवल घर का ताला किसी ने तोड़ा, घर के मेन गेट का। गाँव में बढ़ती चोरियों से ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान लगाए हैं। आखिर पुलिस द्वारा गाँव में रोजाना रात को गश्त की जा रही है तो चोरी कैसे हो रही है। इधर राजकीय उच्च माध्यमिक कक्षा अध्यापक जगदीश लोहार ने बताया कि छात्र की कुल फीस 12,935 रुपए, जो कि अलमारी में रखे गए थे, उसे भी ताला तोड़कर अज्ञात चोर ले गए। पास में पोषाहार की कुछ सामग्री चुरा कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी कपूरा राम चौधरी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जानकारी ली। साथ में दाताराय चौकी के भजन लाल, गोकुल सिंह प्रकाश कुमार और ग्रामीण प्रकाश राज रावल, सरपंच कांतिलाल कोहली, प्रवीण प्रजापत और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। जागरूक टीवी के लिए जिरावल से अमृत प्रजापत की रिपोर्ट।